हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राडी एकेडमी। सो यहाँ पे हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आ गए हैं रामायण के ऊपर। यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज मिल जाएगी। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का पार्ट वन है, जिसमें हमने यहाँ पे रामायण के जनरल नॉलेज और सांस्कृतिक ज्ञान आपका बढ़े, इसलिए हमने ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज रामायण के ऊपर बनाई है। सो पहले हम रामायण का महत्व जान लेते हैं। रामायण की कहानी में कर्तव्य, त्याग और प्रेम के आदर्श दिखाए जाते हैं। कर्तव्य, त्याग और प्रेम के आदर्श का प्रतीक है रामायण, जो कि एक ह्यूमन बिहेवियर्स के आइडल है। उनसे एक आदमी, आम इंसान भी अपने जीवन का मार्गदर्शन पा सकता है। रामायण एक धार्मिक ग्रंथ होने के अलावा एक सांस्कृतिक दस्तावेज यानी कि कल्चरल डॉक्यूमेंट है। धार्मिक ग्रंथ होने के साथ साथ हमारे सांस्कृतिक दस्तावेज है, जो कि रंग, नस्ल, मुल्क, जाति सीमाओं को पार करके आम इंसान के दिल पर प्रभाव डालती है। सो ये रामायण का महत्व है। रामायण की कहानी हमें एक इंसान की दिल में इस विश्वास, इस यकीन, इस फेथ को मजबूत करती है। जब कभी भी जुर्म की ताकत यानी कि ऑटोक्रेटिक पावर इस दुनिया में डेवलप्ड होती है, तब कोई दुनिया में ऐसी शक्ति या कोई ऐसी ताकत, विभूति जो एक इंसान के रूप में आती है और इंसानी ताकत और हथियार को मुकाबला केवल अपनी सच्चाई, आत्मविश्वास और प्यार से करती है, इसे पूरी रामायण की कहानी आधारित है। सो फर्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ये बनता है, फर्स्ट क्वेश्चन इस संत कवि ने रामायण अपने प्रादेशिक भाषा अवधि में लिखी। सो ये हमारा क्वेश्चन वन है। किस संत कवि ने रामायण अपनी प्रादेशिक भाषा अवधि में लिखी? सो इसका आंसर है तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण अवधि भाषा में लिखी थी। सो ये हमारा क्वेश्चन टू वन है। क्वेश्चन टू, सबसे पहले किसने संस्कृत भाषा में रामायण की रचना की थी? सबसे पहले महर्षि वाल्मीकि ने संस्कृत भाषा में रामायण की रचना की थी। सो ये हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप याद रखिएगा। संस्कृत भाषा में महर्षि वाल्मीकि ने सबसे पहले रामायण लिखी थी। सो ये हमारा क्वेश्चन टू है। क्वेश्चन थ्री, रामायण को किस देशों में उसका आदर किया जाता है? जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, रूस, चीन, ईरान, थाईलैंड और इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में रामायण की कथा एक लोक कथा के तौर पर मनाई जाती है। सो ये हमारा क्वेश्चन, थ्री है। क्वेश्चन फोर, पंडित जवाहर नेहरू ने अपनी कौन सी पुस्तक में रामायण के आदर्शों के बारे में लिखा है? सो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवर ऑफ इंडिया अपनी पुस्तक में रामायण के आदर्शों के बारे में उस किताब में डिस्क्राइब किया है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज आप उसे याद रख लीजिए। डिस्कवर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है, जिसमें उस पंडित जवाहर ने रामायण के आदर्शों के बारे में लिखा है। सो ये हमारा क्वेश्चन फोर है। क्वेश्चन फाइव, दक्षिण की भाषा में रंगनाथ रामायण किस भाषा में लिखी गई? दक्षिण की भाषा में रंगनाथ रामायण तमिल में लिखी गई। तमिल में सबसे पहले रंगनाथ रामायण लिखी गई। ये हमारा क्वेश्चन फाइव। क्वेश्चन सिक्स, किस कवि ने रामायण तमिल भाषा में लिखी? दक्षिण में रंगनाथ रामायण पहले तमिल में लिखी गई, तमिल में
किस कवि ने रामायण लिखी? सो महर्षि कंबन ने, महर्षि कंबन ने तमिल भाषा में रामायण लिखी गई। कंबल ने तमिल भाषा के प्रसिद्ध ग्रंथ कंब रामायण के रचयिता थे। कंब रामायण के रचयिता कौन थे? तो कंबल, महर्षि कंबन कंब रामायण के रचयिता थे। उसने तमिल भाषा में रामायण का अनुवादन किया था महर्षि कंबन ने। सो ये हमारा क्वेश्चन सिक्स है। क्वेश्चन सेवन, किस कवि ने रामायण मलयालम भाषा में लिखी? किस कवि ने रामायण मलयालम भाषा में लिखी? मलयालम भाषा में रामानुजन इजुत्छन ने तमिल भाषा में मलयालम भाषा में रामायण लिखी। मलयालम भाषा में रामानुजन ने लिखी। क्वेश्चन एक, किस कवि ने रामायण कन्नड़ भाषा में लिखी? किस कवि ने रामायण कन्नड़ भाषा में लिखी? नागचंद्र ने कन्नड़ भाषा में रामायण लिखी। नागचंद्र एक प्रसिद्ध कवि है जो लगभग 1100 ईस्वी के आसपास रहे होंगे। इसके पास अभिनव पम्मा की उपधि है और उन्होंने रामचंद्र चरित पुराण और मलिनाथ पुराण नामक दो चंपू काव्यों की रचना की थी। सो यहाँ पे टू इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रामचंद्र चरित पुराण और मल्लीनाथ पुराण चंपू काव्य के रचयिता कौन थे? नागचंद्र, और नागचंद्र ने कन्नड़ भाषा में रामायण लिखी थी। सो ये हमारा क्वेश्चन एट है। क्वेश्चन नाइन, किस कवि ने रामायण बंगला भाषा में लिखी? किस कवि ने रामायण बंगला भाषा में लिखी? सो महाकवि कीर्तिदास महाकवि कीर्तिदास ने बंगला भाषा में रामायण लिखी। महाकवि कीर्तिदास ओझा मध्यकाल में जन्मे बांग्ला भाषा के अत्यंत लोकप्रिय कवि थे, जिन्होंने बांग्ला भाषा में वाल्मीकि रामायण का सर्वप्रथम पार्श्वानुवाद किया था। सो ये हमारा क्वेश्चन नाइन है। बांग्ला भाषा में सबसे पहले रामायण का पार्श्वानुवाद किसने किया था? कीर्तिदास ने। सो ये हमारा क्वेश्चन नाइन है। क्वेश्चन टेन, महाराष्ट्र में किसने रामायण की कथा को पूरे भावपूर्ण से गाया था? तो महाराष्ट्र में महाकवि एकनाथ ने रामायण की कथा पूरे भावपूर्ण से गाई थी। महाराष्ट्र में महाकवि एकनाथ जिसने रामायण को भावपूर्ण से गाया था। सो ये हमारा क्वेश्चन टेन है। क्वेश्चन 11, रावण को किसने वरदान दिया था? सो रावण को ब्रह्मा और महादेव ने वरदान दिया था। वो वरदान ये था कि रावण किसी भी देव दानव नाग किन्नर और गंधर्व उसे मार नहीं सकते। देव दानव नाग किन्नर और गंधर्व किसी के हाथों से वो मारा नहीं जा सकता, और इसमें मनुष्य और वानर नहीं शामिल थे। इसलिए राम भगवान ने मनुष्य अवतार, विष्णु भगवान ने राम भगवान का रूप लेकर मनुष्य अवतार लिया रावण का नाश करने के लिए। सो ये हमारा क्वेश्चन 11 है। क्वेश्चन 12, भगवान राम के पूर्वज के नाम कौन से हैं? सो यहाँ पे भगवान राम के पूर्वज के नाम हमने यहाँ पे प्रोवाइड किए। फर्स्ट अम्बरीश का पुत्र नहुष, नहुष का पुत्र ययाति, ययाति का पुत्र नाभाग, ययाति का पुत्र नाभाग, नाभाग का पुत्र अज और अज का पुत्र दशरथ, और दशरथ के चार पुत्र राम भरत लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न। सो यहाँ पे 1 2 3 4
फाइव सिक्स और सेवन, यहाँ पे हमने भगवान राम के पूर्वज के नाम दिए हैं एम्ब्रिस, नहुष, ययाति, नाभाग, अज, दशरथ और राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। दशरथ के पिता का नाम अज था। ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन 13। राजा दशरथ के राज्य गुरु कौन थे? राजा दशरथ के राज्य गुरु थे श्री महर्षि वशिष्ठ। श्री महर्षि वशिष्ठ राजा दशरथ के राजगुरु थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप ध्यान रखिए। राजा दशरथ के राजगुरु कौन थे? महर्षि वशिष्ठ। महर्षि वशिष्ठ ने राजा दशरथ के चार पुत्र का नामकरण भी किया था। यहाँ पे दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी ये होता है, दशरथ के चारों पुत्र का नाम किसने दिया था या किसने नामकरण किया था? तो महर्षि वशिष्ठ ने दशरथ के पुत्रों का नामकरण किया था और राजा दशरथ के राजगुरु भी महर्षि वशिष्ठ थे। सो ये हमारा क्वेश्चन 13 है। क्वेश्चन 15, राजा दशरथ को कौन से यज्ञ के बाद भगवान राम सहित अन्य पुत्र रत्न की प्राप्ति उन्होंने हुई थी? सो पुत्रेष्ठीय यज्ञ करके अग्नि देवता को प्रसन्न करना था। अग्नि देवता उसके बाद प्रसन्न हुए और अग्नि देवता ने दशरथ जी को एक खीर की वाटिका दी, जो दशरथ ने अपनी रानी, तीनों रानी को दी। उससे उसको चार पुत्र हुए, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। सो राजा दशरथ पुत्रेष्ट यज्ञ करके भगवान राम सहित अन्य पुत्र रत्न की प्राप्ति की है। सो ये हमारा क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन 16, पुत्रेष्ट यज्ञ किस ऋषि द्वारा किया गया था? पुत्रेष्ट यज्ञ श्रृंग ऋषि, ऋषि श्रृंग द्वारा किया गया था। ऋषि श्रृंग द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ किया था। पुत्रेष्टि यज्ञ के कारण दशरथ को चार पुत्र हुए थे। सो ये हमारा क्वेश्चन 16 है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पुत्रेष्टि यज्ञ श्रृंग ऋषि ने किया था। क्वेश्चन 17, राजा दशरथ की कितनी पत्नियां थी या तीन पत्नियां कौन थी? कौशल्या, कैकेया और सुमित्रा। कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा राजा दशरथ की तीन रानियां थी। कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा राजा दशरथ की तीन पत्नियां या रानियां थी। सो यहाँ पे कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा के पुत्र कौन से पुत्र थे? सो राजा दशरथ के यहाँ पे चार पुत्र थे, जिसमें कौशल्या नंदन, राम, कैकेयी नंदन, भरत और लक्ष्मण और शत्रुघ्न सुमित्रा के पुत्र थे। कौशल्या के पुत्र राम, कैकेयी के पुत्र भरत, कौशल्या के पुत्र राम, कैकेयी के पुत्र भरत और सुमित्रा के दो पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न थे। सो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होने चाहिए। सुमित्रा के दो पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न। सो ये हमारा क्वेश्चन 16 है। क्वेश्चन